अयोध्या कस्बे के निवासी नरभक्षी नजीम को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश पास्को एक्स संजीव कुमार शुक्ल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद मंगलवार को अपना निर्णय दे दिया है। यह प्रकरण काफी दिनों तक यहां के लोगों के जहन में बना रहा। इसकी विभत्सता की चर्चा देश भर में हुई थी। श्री शुक्ल ने दोषी नरभक्षी नजीम को धारा 302 के तहत मृत्युदंड व 25,000 रुपए जुर्माना, 377 व 511 के अंतर्गत 10 वर्ष एवं 10,000 जुर्माना तथा 3/4 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। घटना की क्रूरता के कारण किसी भी अधिवक्ता ने दोषी को न्यायिक सहयोग देने से मना कर दिया था, जिसके बाद सरकार की ओर से न्याय मित्र के रूप में केशव किशोर गुप्ता ने दोषी की पैरवी की थी। वहीं अभियोजक पक्ष की तरफ से अधिवक्ता हेमंत मिश्र व वीके सिंह राणा ने पैरवी की थी। और सबूत जो है बहुत अच्छा गुजरा है और सही सजा हुई इंसाफ मरने वाले के साथ। मुलजिम ने बहुत ही दर्दनाक वाक्य किया, वाकई में जो है अगले तारीफ हुई फैसला जिससे मैं जस्सा का काम है फैसला देने का, लेकिन इन्होंने सही फैसला बहुत एक जघन्य हत्याकांड इसमें जज ने आज क्या फैसला दिया। अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा दी गई सजाए मौत, क्योंकि ये मुकदमा जो था वो सजाए मौत का था। मुलजिम ने जो जुर्म किया था वो सजाए मौत का था। उसने एक मासूम 6 साल के बच्चे जिसका नाम मोनिस था उसका इस बेरहमी से कत्ल किया था कि उसका सर अलग किया था, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए थे। और उस वक्त का जो मंजर था, ये घटना है 21 फरवरी 2017 की 12:45 बजे दिन की, और इसकी FIR 21/17 को ही 13:30 बजे मृतक के चाचा मोइन ने दिखाई थी। थाना अमरिया कस्बा अमरिया का मामला है ये, और इसमें अभियुक्त नजीम मियां है जो इस पार्ट अरेस्ट हुआ था। आला कत्ल छुरी बरामद हुई थी। उस वक्त जो मंजर था पीलीभीत का और जो व्हाट्सएप पे तस्वीरें डाली गई थी, मोबाइल पे जो फोटो दिए गए थे और अखबारात ने जो लिखा था, समाचार पत्रों ने, आप लोगों ने भी दिखाया था, वो मंजर ऐसा था कि उसे आम आदमी देख नहीं सकता था। जिस तरीके से मुलजिम नजीम मियां ने मकतूल मोनिस का कत्ल किया है, वो ऐसा मंजर था कि दुश्मन से भी वो मंजर देखा न गया होगा। जालिम ही सही लेकिन दिल कांप गया होगा। इस तरीके से उसने उसका कत्ल किया था, इस तरीके से उसने उसे मारा था। मैं ये सोचता हूँ, मैं यहाँ पर 22 साल से सरकारी वकील हूँ फौजदारी में, मैंने सैकड़ों मुकदमे प्रोसिक्यूट किए हैं, हजारों मुलजिमान की सजा दिलवाई है, लेकिन ऐसा दर्दनाक मैंने कभी मुकदमा नहीं प्रोसिक्यूट किया। पीलीभीत से सिराज मलिक की रिपोर्ट।